हेलो स्टूडेंट, श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 8th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखा था, उसके बाद में बेसिस प्रैक्टिस क्रॉप प्रोडक्शन देखा था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखा था, एग्रीकल्चर है ना शोइंग देखा था, एडिशनल टूल्स देखा था, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र देखा था, सीड ड्रिल देखा था। उसके बाद में चलिए अब हम आगे देखते हैं फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। तो दोनों में जो डिफरेंसेस बताया गया है, फर्टिलाइज़र इज़ मैन मेड इन ऑर्गेनिक सॉइल, तो क्या बोलते हैं एक उर्वरक मानव निर्मित लवण है, और मैन्योर, मैन्योर क्या हो जाता है जो नेचुरल सब्सटेंस, जो नेचुरल डिकम्पोजिशन होते हैं उन चीज़ से बना हुआ है। फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र प्रिपेयर ऑफ फैक्ट्रीज, तो ये क्या फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है, जबकि ये क्या हो जाता है प्रिपेयर फील्ड बाय टू द, ये फैक्ट्री में प्रिपेयर नहीं हो सकता है, खेतों में बनाया जाता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये ह्यूमस टू द सॉइल, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ह्यूमस टू द सॉइल मतलब ह्यूमस में प्रोवाइड होता है, पर यहाँ पे नहीं होता। और यहाँ पे हमें जैसे नाइट्रोजन बताया गया है ना, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये बताया गया है, यहाँ पे लेस देखने को मिलता है। चलिए 1.1, गिवन द डिफरेंट बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, द एडवांटेज द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर द बेटर देन अ फर्टिलाइजर, दिस इज बिकॉज, मतलब क्या बोला गया है कि जैसे कि जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, इसी तरीके से हम देखते हैं तो हमें क्या वाटर देखने को मिलता है, कैपेसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद आप देख सकते हो कि जैसे कि उसमें हमें गैस देखने को मिलती है, अच्छे से गैस जो सरलता से भर जाती है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंडली, फ्रेंडली देखने को मिलता है। फिर जैविक खाद मिट्टी का क्या कर सकती है, टेक्सचर ऑफ द सॉइल। चलिए अब आगे हमें बताया इरीगेशन 1.6, ऑल आर लिविंग बींग्स द नीड वाटर टू लिव, वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आप जानते हो कि जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, पौधों के वृद्धि के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है, वाटर इज ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट रूट्स, मतलब कि उनके रूट्स को उसकी ज़रूरत होती है, जड़ों को ज़रूरत होती है, अलॉन्ग विथ अ वाटर एंड अ फर्टिलाइजर आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड प्लांट इन कंटेन द नियरली 90% वाटर, मतलब क्या 90% वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर इज असेंशियल बिकॉज, मतलब क्या हो जाता है ये हमें असेंशियली देखने को मिलता है। अब देखें आगे, ऑफ द शीट डज नॉट टेक प्लेस द अंडर ड्राई कंडीशंस, न न्यूट्रींस डिसॉल्वेड इन अ वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट, मतलब क्या किया जाता है प्लांट के ईच पार्ट में उसको सप्लाई किया जाता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, मतलब क्या करते हैं प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को, बोथ द फर्स्ट एंड द हॉट एयर करंट्स, मतलब कि जो गर्म हवा होती है उससे भी क्या करता है गर्म हवा और जो फसलें पाले एवं गर्म से रक्षा देता है, और मेंटेन द मॉइस्चर, मॉइस्चर को भी मेंटेन और हेल्थी और रखता है और बढ़ाता है मतलब ग्रो करता है, रेगुलरली ये चीज़ चलती रहती है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलरली क्या किया जाता है सप्लाई किया जाता है, तो सप्लाई करने के लिए जिसे हम क्या बोलते हैं इरीगेशन मतलब सिंचाई बोलते हैं ना, दे आर द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन, मतलब टाइम के जो भी टाइम होता है उस समय पे बार बार में फसलों को क्या किया जाता है, मिट्टी मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होती है, अलग अलग हमें देखने को मिलती है। फ्रॉम द क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड अ सीजन टू सीजन, इन अ समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज अ हायर, मतलब क्या हो जाता है हमें वाटर ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब कि मिट्टी के समय मिट्टी होता है, पानी के समय पानी जिनकी ज़रूरत होती है। वाई इज इट सो, कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ, मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे जो रेट है वो भी इंक्रीज देखने को मिलता है। उसके बाद में क्या हो जाती है, जो वाटर द सॉइल द लीव्स, मतलब क्या हो जाती है वहाँ पे भी हमें जल बाष्पन देखने को मिलता है। द सोर्स ऑफ इरीगेशन, द सोर्स कौन कौन से होते हैं, तो जैसे लैंक, रिवर, डैम है ना, तो ये सारे सोर्सेज हमें बताए गए
है।